चलो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है तो बेटा आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वर्क पर दो या तीन टाइप के क्वेश्चन, फिर एनर्जी पे एक या दो टाइप के, ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के रिलेशंस, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम और फिर पावर, है ना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज है यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, ठीक है सर। ठीक है, तो मुद्दा क्या है सर, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है सर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है सर, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में सबसे पहली जो चीज आती है सर, वो आती है वर्क। वो क्या आती है सर, वर्क, W। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डॉट एस वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एफ डॉट एस वेक्टर से। ठीक है सर, अब यहां पर ना वर्क हमेशा किसमें एक्ट करता है, वर्क हमेशा किसमें एक्ट करता है, वर्क हमेशा पेयर में एक्ट करता है। ठीक है, जैसे फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करता है ना, एक एक्शन और एक रिएक्शन, ऐसी वर्क भी हमेशा क्या होगा, एक एक्शन वर्क होगा और एक रिएक्शन वर्क होगा। ठीक है सर, अब सर ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो वर्क डन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एक हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, अगर किस कोई बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है ना बेटा, कोई बॉडी पॉजिटिव वर्क कर रही है, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूं, कोई बॉडी पॉजिटिव वर्क कर रही है, यानी कि उसने क्या किया है बेटा, सप्लाई ऑफ एनर्जी, क्या करा है बेटा, सप्लाई ऑफ एनर्जी, उसने एनर्जी दी है। ठीक है बेटा, बॉडी ने एनर्जी दी है। अगर मैंने बोला कि भाई मैंने वर्क किया है, ठीक है बेटा, मैंने वर्क किया है, तो बेटा मैंने एनर्जी दी है, मैंने क्या दी है, एनर्जी दी है। और वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क को हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, अच्छा, और अगर कोई बॉडी नेगेटिव वर्क कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, नेगेटिव बॉडी, यानी कि यहां पर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हो, गेन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एफ डॉट एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर क्या होता है, सप्लाई ऑफ एनर्जी जो हमारा वर्क है, ठीक है, और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन का बात होती है गेन ऑफ एनर्जी। एक चीज तुम लोगों को देखनी पड़ेगी बेटा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अगर मान लो ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा, बहुत लिटरली बता रहा हूँ, बहुत काम में आएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रख लें कि अगर सर ये वाली लेंथ एल है, ये वाली लेंथ एल है ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो आर्क लेंथ होगी बेटा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये एंगल थीटा, आर्क लेंथ अगर आप देखोगे तो आर्क लेंथ हमारे को क्या मिलेगी, आर्क लेंथ हमारे को मिलेगी 12 sin θ/2। ठीक है ना, क्या मिलेगी, 12 sin θ/2। ठीक है ना, जैसे अगर लोगों यहाँ से यहाँ का आर्क, सी एंगल थीटा है, तो क्या मिलेगा, जो भी इसका रेडियस है 12 (sin θ/2। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा काम आएगी। ठीक है, अब भाई मुद्दा क्या है, यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई है ना। तो पहली चीज मेरी आती है वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स। ठीक है बेटा, कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है बेटा, कॉन्स्टेंट फोर्स जो वर्क करता है बेटा, वो कैसे करेंगे बेटा, हम वर्क डन इज इक्वल टू लिखेंगे एफ डॉट एस वेक्टर, कुछ इस प्रकार। कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस वेक्टर। ठीक है सर, जो हमने यहां पर लिखा, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क। अगर मैं बोलूं कि हमारा फोर्स कैसा है, अगर मेरा फोर्स हो गया वेरिएबल, कैसा हो गया, वेरिएबल, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस वेक्टर, वेक्टर एक्स वन से लेके एक्स टू तक के, एक्स वन से लेके एक्स टू तक के लिए। ठीक है बेटा, एक्स वन से एक्स टू तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे एफ डॉट डी एस को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है बेटा, तीसरी चीज इसमें होती है बेटा, अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया हो बेटा, ग्राफ दिया हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल कर भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर, अगर मान लीजिए ये आपका एफ है, ये आपका एस है ना, और ये आपका ग्राफ बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का, एक्स वन से लेके एक्स टू तक का ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा सर। ठीक है सर, तो कुछ इस प्रकार से भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर। ठीक है सर, यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये हमारी होती है बेटा वर्क की टाइप्स, ये हमारी क्या है, वर्क की टाइप्स। वर्क हमारे से कैसे पूछा जा सकता है, एक तो भाई हमारा ये याद रखना है कि भैया अगर वर्क डन, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव वर्क डन कर रही है, यानी कि उसने एनर्जी का क्या किया बेटा, सप्लाई करी है। ठीक है बेटा, अगर कोई बॉडी नेगेटिव वर्क डन कर रही है, तो बेटा वो क्या कर रही है, एनर्जी को गेन कर रही है। ठीक है बेटा, इस बात को हमेशा क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एनर्जी पर, किस पर आ जाते हैं, एनर्जी पर।
तो एनर्जी हमारी दो टाइप की होती है, पहली और दूसरी। पहली हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, हमेशा से हम लोगों ने देखा है ना, और ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। दूसरी हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। ये हमारी हमेशा किसमें मिलेगी, हमारे को स्टोर्ड फॉर्म में मिलेगी। ये किसमें मिलेगी बेटा, हमारे को स्टोर्ड फॉर्म में मिलेगी। और सर ये एनर्जी लगती कहाँ है बेटा, ये एनर्जी लगती है सर फोर्स फील्ड्स की वजह से, फोर्स फील्ड्स की वजह से। सर फोर्स फील्ड्स क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर माइनस का, है ना बेटा। तो किस तरीके की एनर्जी होती है बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जहां पर भी कहीं बेटा फोर्स फील्ड है बेटा, इस तरीके की, या तो ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो वहां पर आपकी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी होगी। फोर्स फील्ड का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल बेटा उस फोर्स फील्ड के अंदर आ जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से वो क्या लगा सकता है बेटा, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है, फोर्स फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस फोर्स फील्ड के अंदर आ जाए, है ना बेटा, तो वहां पर उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वो उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकता है बेटा, फोर्स लगा सकता है, ठीक है सर। ये सब चीजें आप लोगों ने कवर करी होंगी जब आप लोग बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सर अब हमारा मुद्दा क्या है, यहां तक की बात हमारे को समझ में आ रही है। अब यहां से अगर फोर्स फील्ड्स के कॉन्सेप्ट से, अभी मैं इन दोनों को रिलेट भी करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को आगे जाके, अगर मैं फोर्स फील्ड के कॉन्सेप्ट से फोर्सेस निकालना चाहूं, तो सर हमारे यहां से फोर्सेस जो होंगे, सर फोर्सेस हमारे होते हैं दो टाइप के। एक मेरा होता है सर कंजर्वेटिव फोर्स, एक मेरा होता है सर कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा हमारा क्या होता है सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है सर। दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है सर। अच्छा, तो सर हमारा क्या होता है, हमको यहां पर अगर ध्यान से देखें कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, जहां पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी बेटा, वहां पर हमारा कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा सर, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा। कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा सर, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा। जहां पर भी हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, वहां पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही होगा। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, या फिर आपका कंजर्वेटिव फोर्स किसी मीडियम में नहीं है बेटा, तो दैट मींस आपकी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो सकती। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ही होगी, ठीक है सर। अगर कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम में नहीं है, तो आप वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। इन सब चीजों को दिमाग में डाल लो, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो सर हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा बेटा, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है बेटा। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं बेटा, वो किस चीज के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, अगर मैं ध्यान से बताऊं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के लिए, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के लिए। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो भैया, मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कौन क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है सर। तो ये वाली बात हमारे को समझ में, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सर, यहां पर एक चीज अगर मैं और देखूं कि सर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये कैसा होता है बेटा, ये रिवोकेबल होता है, ठीक है बेटा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर मैंने वर्क डन किया, ठीक है बेटा, मैंने एनर्जी सप्लाई करी, ठीक है बेटा, किसी सिस्टम को, तो मैं उस सिस्टम से वापस रिट्रीव भी कर सकता हूं अगर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन किया है तो, है ना। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है सिस्टम को, तो वो वापस भी निकाल सकता है ना, दैट कैन बी रिट्रीवेबल, ठीक है। बट अगर आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन किया है, ठीक है, तो बेटा वहां पर अगर एनर्जी सराउंडिंग में चली गई, तो वो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती, ठीक है बेटा। तो ये चीज होती है बेटा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है बेटा, यहां पर अगर मैं वर्क करता हूं, तो वो जो एनर्जी बनती है बेटा, वो रिट्रीवेबल होती है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी एनर्जी रिट्रीवेबल नहीं होती, ठीक है बेटा। चलो अभी हम और क्लियरली बात करेंगे इनके बारे में कि यहाँ पर रिट्रीवेबल क्यों नहीं है, यहाँ पर रिट्रीवेबल क्यों है, ठीक है बेटा, ये सब चीजें भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का है, यह हमारा कॉन्सेप्ट आया किसका,
एनर्जीज का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको एनर्जीज का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे को चीजें मैनेज करनी है। ठीक है बेटा। सर अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं बता रहा था आपको, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स का जो रिलेशन है बेटा, फोर्स फील्ड्स का जो रिलेशन है, फोर्स का, उसके रिलेशन पे आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के। तो सर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जो फोर्स होता है वो होता है सर माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है बेटा, डेल यू, ये ऑपरेटर क्या है बेटा, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। किसका ऑपरेटर कहलाता है बेटा, डेल ऑपरेटर कहलाता है। इस डेल ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, है ना, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल वाई डेल वाई जे कैप प्लस में डेल वाई डेल जेड के कैप। बेटा ये डेल क्या है, यहाँ पर डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा, अगर आप किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको वहां पर डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, एक्स का करना है। बाकी सारे के सारे जितने भी फंक्शन है बेटा, उनको आपको वेरिएबल, तो मतलब कि उनको आपको कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको दिया गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स जेड। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है, और इस फंक्शन का आप क्या करते हैं बेटा, डेल वाई डेल एक्स की तरह इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा टू एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर टू है, यहाँ पर एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा जीरो। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा, यहाँ पर आएगा जेड, तो ये बन जाएगा बेटा टू एक्स वाई जेड प्लस में जेड। कुछ इस प्रकार बेटा हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। तो ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। अगर मैं यहाँ पर वाई करूंगा, तो हम तीनों टर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा, वाई को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है सर, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर सर आपका जो फोर्स है वो सिंगल डायमेंशन में लग रहा है, ठीक है सर, अगर आपका जो फोर्स है, इफ फोर्स इज एक्टिंग इन सिंगल डायमेंशन, अगर आपका जो फोर्स है सर वो सिंगल डायमेंशन में लग रहा है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऐसी तरह सिंगल जिस तरह की बेटा हम लोग सिंगल है सारे के सारे। ठीक है बेटा, सिंगल डायमेंशन में लग रहा है, तो आप फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी यू वाई डी एक्स माइनस का इंटू में आई क्या। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके की भी डेफिनेशन करी जा सकती है अगर आपका फोर्स जो है वो सिंगल डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में लग रहा है। ठीक है सर, तो ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ इस तरीके का रिलेशन हमारा फोर्स का होता है। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से यहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, है ना, तो नोट कर लें बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं सर अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने कहा सर अगला कॉन्सेप्ट है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का। बेटा इनकी ना बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। ठीक है बेटा, और ये वर्क कौन सा होगा, वर्क होगा ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क डन कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा। ठीक है सर, अच्छा अब मैंने क्या बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिस्टम है ना बेटा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था और ये ऐसे ऐसे किसी पाथ से चल के पॉइंट बी पर आया। ठीक है बेटा, ये हमारा यू ए था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यू बी थी, और डेल्टा यू यहां पर कितना हो जाएगा, ये है ना बेटा फाइनल माइनस में इनिशियल, कुछ इस तरीके से आया। ठीक है बेटा, ऐसे। ठीक है, अब जरा बात समझिएगा। मैंने कहा कि अगर आपका कौन करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, यानी कि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, बात समझ लेना ध्यान से, सिस्टम क्या कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम खुद वर्क करेगा यानी कि वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। मैंने अभी बताया था ना कि भाई वर्क डन जब सिस्टम करेगा यानी कि पॉजिटिव वर्क, तो क्या करेगा बेटा, एनर्जी सप्लाई करेगा, एनर्जी को क्या करेगा बेटा, सप्लाई करेगा। जब सिस्टम, मैं सिस्टम हूं और मैं वर्क कर रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भैया मैं वर्क कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मैं अपनी एनर्जी निकालकर किसमें लगा रहा हूं बेटा, वर्क में लगा रहा हूं, किसमें लगा रहा हूं, वर्क में लगा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बोलूं तो भैया ऑब्वियस सी बात है मेरे पास से एनर्जी जा रही है ना, मेरी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। यानी कि यहां पर हम लिखते हैं कि जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है वो होता है माइनस डेल्टा यू। क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एनर्जी जा रही है। ठीक है, अच्छा अब सर यहां पर देखते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम की अगर बात करी जाए, है ना, तो कितना होता है बेटा, डेल्टा यू। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा यू, वर्क डन ऑन सिस्टम तो क्या होगा बेटा, डेल्टा यू। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई सब बच्चों को, क्लियर है यहां तक का खेल।
सर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है उसका नाम है सर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत सारे तरीकों से पढ़ा जाता है। ठीक है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत सारे तरीकों से पढ़ा जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से तरीके बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने के? सबसे पहली चीज, अगर आपकी एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, आपको नहीं पता वो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, मतलब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव भी सारे के सारे, तो जो हमारा वर्क डन बाय नेट फोर्सेज होंगे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? डेल्टा के ई के, है ना बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं, इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूं स्टेटमेंट को, तो ध्यान से समझना कैसे लिखूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में वर्क डन बाय एक्सेलरेटिंग फोर्स, माइनस वर्क डन बाय बाय रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है बेटा, एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है बेटा? जो फोर्स हमारे मोशन के साथ लग रहा हो बेटा, जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लग रहा हो, है ना बेटा। और रिटार्डिंग फोर्स क्या है बेटा? जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है सर, तो यहां पर ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इसी को रिमॉडिफाई करके लिख दिया। तीसरी चीज क्या होती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस डेल्टा यू, यू ऑल नो, है ना। और चौथी चीज होती है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना, प्लस में डेल्टा पीई। ठीक है सर, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क डन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये मुद्दा रहता है। ठीक है सर, तो यहां तक हमारा क्लियर है सर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है। ठीक है जी, तो यहां तक की बात मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम जिंदगी रंगीन समझ में आ रही है ना सर। वर्क एनर्जी थ्योरम के चार डेफिनेशन है, इस तरीके से आप लोग इनको मैनेज कर सकते हैं सर। ठीक है सर, अच्छा अब अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम विद पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करी जाए सर? अगर आपकी बात करी जाए इक्विलिब्रियम विद पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है सर, तो इक्विलिब्रियम विद पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर फोर्स का कितना हो जाना? जीरो हो जाना, है ना। और सर फोर्स का रिलेशन तो हमने क्या देखा है अभी अभी, फोर्स इज इक्वल टू हमने देखा माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर भाई डी यू बाई डी एक्स ले लो या डी यू बाई डी आर ले लो, ठीक है बेटा, कोई भी वेक्टर है लो, ठीक है सर, डी यू बाई डी एक्स या फिर डी यू बाई डी आर, तो इसका मतलब बेटा इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? फॉर इक्विलिब्रियम इसका जीरो हो जाना, यानी कि डी यू बाई डी आर का क्या हो जाना बेटा? जीरो हो जाना। ठीक है बेटा, डी यू बाई डी आर का क्या हो जाना बेटा? जीरो हो जाना। ठीक है बेटा, तो तीन केसेस में हो सकता है, तीन केसेस में डी यू बाई डी आर जीरो हो सकता है। ठीक है बेटा, कब कब जीरो होगा? तीन केसेस में हो सकता है, या तो यू हमारा मैक्सिमम हो, या तो यू हमारा क्या हो बेटा? मिनिमम हो, है ना बेटा, या हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो वो क्या हो बेटा? कॉन्स्टेंट हो फॉर अ गिवन फेज। ठीक है बेटा, कॉन्स्टेंट हो फॉर अ गिवन फेज। ठीक है सर, तो ध्यान से समझिएगा, यू मैक्सिमम देखते हैं, यू मैक्सिमम देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका यू वर्सेस एक्स का ग्राफ है और ये ऐसे बन रहा है सर, ठीक है, तो यहां पर हमारा इस पॉइंट पर हमारा क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट के लिए हमारा डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसको हम बोलेंगे बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल होता है, और जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो सर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। और अगर मैं बात करूं यू और एक्स का कुछ इस प्रकार, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा बेटा? हमारा इस वाले पॉइंट पर भी क्या आएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एक्स जीरो आएगा, और ये हमारा क्या बनेगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, और तीसरा क्या है बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये जो जीरो की कंडीशन है बेटा, यू इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है ना, इसमें हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक की बात मेरे को समझ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, कि अगर आपको इक्विलिब्रियम विद पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप क्या करेंगे सर? डी यू बाई डी आर निकालेंगे और उसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि नेट जो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे को चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम के लिए हमारे को जो आर है बेटा, वो क्या नाम है, फोर्स है, वो कितना चाहिए होता है? जीरो चाहिए होता है। तो डी यू बाई डी आर को आराम से जीरो के बराबर उठा के रख दीजिए। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे को ये चीज पता लग जाएगी। ठीक है सर, अच्छा, और सर हमारे को पता कैसे चलेगा? इससे तो सिर्फ हमारे को यही पता चलेगा ना कि भैया इक्विलिब्रियम में, ये थोड़ी पता चलेगा कि स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर आपका इसका सेकंड डिफरेंशिएशन,
सेकेंड, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अगर, ध्यान से समझिएगा, ये क्या आ रहा है सर, ये क्या आ रहा है, अगर ये क्या आ रहा है सर, लेस देन जीरो आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। मैक्सिमा यानी कि इस यहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अगर हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्या आ रहा है बेटा, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हमारा ये मिनिमा का कंडीशन होगा, यानी कि ये कितना, यू मिनिमम। अगर ये दोबारा से डी टू यू बाई डी एक्स टू, ये दोबारा क्या आ रहा है सर, जीरो आ रहा है, तो ये हमारा किसका केस होगा सर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। ठीक है सर, क्या होगा सर, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस होगा। ये तीन केसेस हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से आपको इक्विलिब्रियम विद पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए। तो सर अगर अब हम बात करें, अब हम बात करें किसकी, पावर की, जो इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक है, पावर। ठीक है, पावर की अगर मैं बात करूं तो सर पावर क्या होता है सर, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा, किसी भी बुक में मिल जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, अब यहां पर है ना, पावर के दो क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है एवरेज पावर पे, एक बनता है इंस्टेंटेनियस पावर पे। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं एवरेज पावर की, एवरेज पावर की बात करूं, ठीक है बेटा, तो एवरेज पावर को हम कैसे लिखेंगे सर, एवरेज पावर को ऐसे लिखेंगे, एवरेज का साइन होता है, इसको हम लिखेंगे बेटा टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है सर, क्या लिखेंगे बेटा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, है ना। ऐसी एक चीज होती है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है सर, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, dW by dt। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f डॉट v वेक्टर, f डॉट v वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इससे काफी बेसिक बेसिक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिसमें काफी बच्चे गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे मान लो, ठीक है, कि आपसे पूछा ग्रेविटी पावर बतानी है, ग्रेविटी पावर बतानी है, कब, एक प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे को ऐसे फेंका गया एक प्रोजेक्टाइल, कितना u डिग्री के एंगल पर थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे करके कितने टाइम बाद, t सेकंड्स बाद, इसकी वेलोसिटी v हो गई होगी। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट पे इसकी ग्रेविटी पावर बतानी है, क्या बतानी है, ग्रेविटी पावर, है ना। तो ग्रेविटी पावर का मतलब क्या है, पावर ग्रेविटी का मतलब क्या है, ये है बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा v का पैरेलल कंपोनेंट, एक बन जाएगा v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला। और ग्रेविटी कहां लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, mg वाला फोर्स v पैरेलल पे तो कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है बेटा, वर्क किस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस पे आएगा। और v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आफ्टर टाइम t हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, u sin थीटा माइनस gt, पढ़ा है ना बेटा, ये प्रोजेक्टाइल ने पढ़ाया था तुम लोगों को, कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो कुछ नहीं है सर, ये कितना है बेटा, एफ जी कितना है, इस तरफ है, और यू परपेंडिकुलर ऊपर है, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा कॉस 180 का। तो एफ जी कितना है बेटा, एम जी, और यहां पर वेलोसिटी यहां पर आ गई, क्या गई, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये आ गया सर आपका वेलोसिटी, ये आ गया आपका ग्रेविटी पावर। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया, ग्रेविटी पावर आ गया, कितने टाइम बाद, टी सेकंड्स बाद, किसी भी टी सेकंड्स बाद, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो, आपको ग्रेविटी पावर मिलती चली जाएगी। ठीक है सर, तो ये मुद्दा रहता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसी फ्रिक्शन पावर पूछ लेता है। ठीक है बेटा, टी टाइम के लिए, तो उसमें भी आपको क्या देखना होता है, उसमें आपको वेलोसिटी देखनी होती है किसी भी इंस्टेंट पर, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली बात है उसकी अपोजिट ही होगी। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी वहां पर कर देना होता है कॉस 180 के साथ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से हम लोग पावर के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा वर्क भी हो गया, ये हमारा एनर्जी भी हो गया, और ये हमारा पावर भी हो गया। ठीक है, तो सारे मेजर टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर करनी है, वर्क एनर्जी पावर की। भैया अभी एक कोलिजन वाला पछता है, तो बेटा कोलिजन वाला हम लोग किस में करेंगे, कोलिजन वाला हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे जब हम रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे। ठीक है ना, तब हम लोग कोलिजन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, साथ साथ रोटेशन, क्योंकि रोटेशन में भी कई कॉन्सेप्ट कोलिजन के आ जाते हैं। ठीक है, तो मुद्दा यहां तक है बेटा, यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गई किस चीज की बात, यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गई है पावर की बात। ठीक है बेटा, पावर की बात समझ में आ गई, वर्क की बात समझ में आ गई, एनर्जी की बात समझ में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी विद इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी विद फोर्स समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी विद वर्क समझ में आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया, वर्क विद कॉन्स्टेंट फोर्स, वर्क विद वेरिएबल फोर्स, वर्क का ग्राफ समझ में आ गया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो काफी सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका वर्क एनर्जी पावर।
ठीक है बेटा। तो वर्क एनर्जी पावर की क्विक रिविजन यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है बेटा। अब आप क्या कर सकते हैं, घर पे जाके अपने क्वेश्चन स्केच कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी ऑब्वियसली कल, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय।